अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देंगे तो आजकल ऐसी घटनाएं बहुत आ रही हैं कि जब जवान जवान बच्चे जगह जगह पर मारे जा रहे हैं या जेल में जा रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। और ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, खासतौर से एससी एसटी और ओबीसी समाज के, भारत के लोग। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो जब ये मारे जाते हैं तो ये किसी ना किसी संगठन के सदस्य होते हैं या किसी ना किसी संगठन से ये बातचीत करके रखे होते हैं। भारत में एससी एसटी ओबीसी के 10,000 संगठन हैं और 20,000 उनके तथा कथित अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहने वाले राष्ट्रीय नेता हैं, जो चंदे और धंधे और पूरा का पूरा इन्होंने प्रपंच बनाया हुआ है। मगर ये जो लोग हैं, ये इन बच्चों को, भोले वाले बच्चों को कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित रहो और संघर्ष करो, और संघर्ष करने का जो मतलब है वो खुद नहीं जानते, इसलिए बच्चों को भी नहीं बता पाते। दरअसल बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा कि संघर्ष का मतलब आपने लड़ाई करके मरना है। संघर्ष का मतलब होता है पढ़ लिख के अच्छे तरीके से अपना आंदोलन चलाना, अपने हक के लिए लड़ना और अपने समाज को सुरक्षित करना और खुद भी सुरक्षित रहना, जैसा कि उन्होंने पूरे जीवन में आंदोलन चलाया। उनके आंदोलन को देख सकते हैं, उनका आंदोलन कभी हिंसा का आंदोलन या उग्र आंदोलन नहीं रहा, और वो छोटी मोटी बात पर कभी कोई ऐसा विवाद भी नहीं करते थे, वो बड़े मुद्दे और बड़ी बात करते थे। दरअसल ये जो 10,000 से ज्यादा जो संगठन है भारत के, इन संगठनों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का पाठ पढ़ाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को लोगों कहते हैं कि आप बाबा साहब को मानिए, मगर ये खुद बाबा साहब को नहीं मानते, ये सिर्फ उनका ढोंग करते हैं और लोगों को बहकाते हैं। अगर ये बाबा साहब की बात मानते होते तो ये सारे संगठन एक होते। बाबा साहब ने कब कहा कि संगठित हो जाओ तो 10,000 संगठन बनाना, तब आप कहना संगठित हो जाओ और आप संगठित मत होना। ये सारे संगठन कभी संगठित नहीं होते, इसलिए ये जो झूठे संगठन है इनकी बात मत मानिए। मेरा नौजवानों से खासतौर से निवेदन है कि आप इनके चक्रव्यूह में मत फंसिए, क्योंकि ये बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। अगर ये एक लाइन कहिए दिखा दें कि बाबा साहब ने ये कहा था कि 10,000 अलग अलग संगठन बना के तुम स्वयं संभू नेता बन जाना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आप इनसे पूछिए कि आप बाबा साहब ने कहां कहा है कि अलग अलग संगठन बना के संघर्ष करना है। हर एक व्यक्ति को ये जाल में फंसाते हैं, उससे चंदा मंगाते हैं, उसको संघर्ष के लिए उसको पढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये जो हिंसा हो रही है, या जो तुम्हारा नौकरी नहीं मिल रही है, या जो तुम बेरोजगार हो, या तुम्हें काम नहीं मिल रहा है, या जो शोषण हो रहा है, या तुम्हारी पिटाई हुई है, या तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है, या तुम्हारा कोई बेइज्जती कर रहा है, इसके जो जिम्मेदार हैं वो कुछ खास तरह के लोग हैं, उनको मनुवादी बोलते हैं। ऐसा ये बार बार आपको सिखाते हैं। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत और झूठा है। दरअसल मनुवादी या कोई भी लोग वो संख्या में इतने कम है कि वो आपको कुछ नहीं कह सकते। मगर ये 10,000 के 10,000 जो संगठन है, ये उनसे मिले हुए हैं, उन मनुवादियों से, उन लोगों से मिले हुए हैं। ये उनका काम करते हैं, ये उनके छुपे हुए एजेंट हैं, ये उन छुपे हुए एजेंडे पर काम करते हैं, इसलिए ये कभी आपस में एक नहीं होते। अगर ये एक हो जाए तो इनकी संख्या ज्यादा है, और इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से सारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं, युवक हैं, उनका काम बन जाएगा, उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको खाना मिल जाएगा, उनको सभी सही तरीके से बात करेंगे, देश उनका है तो उनके देश में उनकी जो मान्यता है वो उनके पास में तुरंत आ जाएगी। मगर ये 10,000 के 10,000 जो संगठन हैं, ये इतने निकम्मे, नालायक और ये आधे बुद्धिजीवी हैं कि ये सिर्फ इसलिए है कि ये कुछ करते वरते तो है नहीं, और नेतागिरी करने के लिए इनको किसी ने कहा भी नहीं है। ये स्वयं संभू नेता हैं, अपनी मर्जी से खुद ही नेता बनते हैं, कभी पब्लिक ने इनको नहीं कहा कि तुम नेता बनो। नेता बनने के बाद में ये धौंस जमाते हैं कि अब हम संगठन बनाया है, तो ये पैसे के लिए अपने एजेंट छोड़ते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप हमारी पर्ची लो और इसका पैसा करो, हम ये करेंगे वो करेंगे। किसी के पास कोई प्लान नहीं है, किसी के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और ये एक जो नेता है दूसरे नेता के या दूसरे के यहाँ जाने के लिए देता नहीं है कार्यकर्ताओं को, और उनकी बुराई करता है। आपस में ही ये अपनी शक्ति से दूसरी शक्ति को तोड़ते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं मनुवादियों के ऊपर। मनुवादियों पर जो इल्जाम लगाता है, आप सच मानना कि वो आपका नंबर एक का दुश्मन है, गद्दार है। क्योंकि बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम अलग अलग होके मनुवाद पे आक्रमण करना, उन्होंने कब कहा था कि तुम संगठित मत होना, उन्होंने कब कहा था कि तुम बच्चों को मरने के लिए छोड़ देना। ये सारे नेता जब बच्चे को मानसिक रूप से बीमार कर देते हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उसे लड़ने के लिए अकेला भेज देते हैं, तो उसकी मौत के बाद में वहां भाषण देने चले जाते हैं, उसकी लाश पे जाके नेतागिरी करते हैं, उसका खून पी पी के बड़े होते हैं, परिवार बहुत ज्यादा गम में होता है,
उस परिवार को बेचारे को ये पता ही नहीं है कि ये नेता वहां राजनीति कर रहा है, अपना चेहरा चमका रहा है या भाषण दे रहा है। और इससे भी बुरी बात तो ये है कि एक मौत पे 10 तरह के नेता जाते हैं और 10 तरह की वहां बात करते हैं, सहायता करने की बात करते हैं। अरे अगर तुम 10 के 10 नेता इकट्ठे होकर वहां चले जाओ, 10 के 10 संगठन में इकट्ठे होकर चले जाओ, तो वो बच्चा कभी मरे ही ना। अगर तुम सारे इकट्ठे हो जाओ तो किसी परिवार का बच्चा कभी मरे ही ना। अगर तुम सारे इकट्ठे हो जाओ तो सारे परिवारों को नौकरी मिल जाए। अगर तुम सारे इकट्ठे हो जाओ तो आरक्षण कभी खत्म हो ही ना। अगर तुम सारे इकट्ठे हो जाओ तो ये जितनी समस्या और परेशानी है ये एक मिनट में ठीक हो जाएगी। मगर ये नेता उन लोगों से इस कदर मिले हुए हैं, इस कदर मिले हुए मनुवादियों से कि ये बाबा साहब का नाम ले लेके रोज बाबा साहब की बेइज्जती करते हैं, रोज बाबा साहब को जूते मारते हैं, रोज बाबा साहब को ये बदनाम करते हैं। बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम अलग संगठन बनाना? कितनी बड़ी बेइज्जती बाबा साहब करते हैं। एक बात बाबा साहब की नहीं मानते कि संगठित होना है, और बाकी सब लोगों को कहते हैं कि संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ, संगठित हो जाओ। अरे बेशर्मो, तुम्हारा मुंह कैसे खुल जाता है बाकी लोगों को ये कहने के लिए कि संगठित हो जाओ, जब तुम खुद संगठित नहीं हो, जब तुम संगठन की परिभाषा नहीं जानते, जब तुम्हारे अहम और ईगो इतने हैं, जब तुम बिके हुए लीडर हो, तुम कैसे कह देते हो हमारी जैसी पब्लिक को कि इकट्ठे हो जाओ? पर निकम्मो, पहले तुम तो इकट्ठे हो जाओ, पहले तुम तो एक साथ हो जाओ, पहले तुम तो बाबा साहब की बात मानो। तुम बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो, तुम बाबा साहब के गद्दार हो। अगर तुम बाबा साहब के अनुयायी होते तो अपने अहम रीगो छोड़ के आज इकट्ठे हो जाते, क्योंकि तुम्हारा और कोई काम तो है नहीं। ये रोजी रोटी से तुम्हारे पेट पलते हैं और इसी रोजी रोटी से, जो चंदे से तुम्हारा घर चलता है, इसलिए तुम एक कैसे होगे? इसलिए नौजवानों, इस बात को समझो, अपने आप को बचाओ। ये जो ग्वालियर में लड़का मरा है, ये किसी संगठन का कोई पदाधिकारी था जिसको मार दिया, वो संगठन इसका कोई भला नहीं कर सकता। वहां जाके सिवाय नेतागिरी करने के और 10-5 मर जाएंगे इस चक्कर में, कोई नहीं बचाने वाला आएगा। डंडे उठा लो, इन नेताओं को बोलो कि इकट्ठे हो जाओ, नहीं इकट्ठे हो जाओ तो इनकी सुताई करो। एक बार भगवान बुद्ध ने कुछ भिक्कियों में झगड़ा हुआ, किस बात के लिए? कि भिक्कु ने अपनी अपनी आसामी बना ली और अपने अपने क्षेत्र बना लिए, अपने अपने मठ बना लिए, और वहां पर वो रोजी रोटी कमाने लगे। जब भगवान बुद्ध को ये पता चला तो भगवान बुद्ध वहां अपने भिक्खु संघ के साथ गए और उन्होंने विनय के नियम सबको बताए कि सारे एक साथ रहेंगे, संघ में रहेंगे, कोई अलग अलग नहीं रहेगा। वो लोग अपने भिक्का में और अपनी आसामियों में और अपने जो उन्होंने वहां लोगों को पटाके गैंग बनाया हुआ था, ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें इस कदर मशगूल हो गए कि उन्होंने भगवान बुद्ध की बात सुनी ही नहीं, और भगवान बुद्ध को हताश और निराश होकर वहां से आना पड़ा। और हताश निराश जब वहां से चले तो लोगों को ही समझ में आया कि अरे ये तो किसी के भी सगे नहीं है, अगर ये इकट्ठे नहीं हो सकते तो ये किसी काम के नहीं है, हमारे काम के भी नहीं है ये। और लोगों ने उनको जो पिंड है, खाना है, देना छोड़ दिया, चीवर देना छोड़ दिया। और थोड़े दिन बाद वो जितने भिक्कू थे भूखे मरने लगे। जब वो भूखे मर गए तो फिर वो भगवान बुद्ध की शरण में आए, फिर वो संघ में शामिल हुए। तब लोगों ने उनको रसद देनी शुरू की। वही काम करो, वही भगवान बुद्ध से सीखो। ये 10,000 के 10,000 संगठन है, इनकी रसद बंद कर दो, इनकी पर्चा काटनी बंद कर दो, इनके जो सपोर्ट है उसको करना बंद कर दो, इनको इनकी वीडियो देखना बंद कर दो, इनकी वीडियो पर लिखो जम के कि तुम सब निकम्मे हो, तुम इकट्ठे नहीं होते, तुम ऐसे मरवा दोगे। वो जो रोहित वर्मला मरा है, ये बड़े शर्म की बात है कि जब वो मरा तो उससे पहले कोई संगठन वहां पहुंचा ही नहीं। अगर सारे संगठन साथ होते, सारी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर टीचर साथ होते, सारी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट अगर एक आवाज में होते तो वो मरता ही नहीं कभी। उसकी एक समस्या को 2 मिनट में सॉल्व हो जाती। मगर ये पढ़े लिखे आधे बुद्धिजीवी हैं, ये डॉक्टर घंटा हैं, ये भी इकट्ठे नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ी परेशानी है। ये स्टूडेंट को भी इकट्ठा नहीं होने देते हैं। स्टूडेंट्स के जो नेता हैं उन्होंने अलग 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 संगठन बना रखे हैं, किसी न किसी नाम से, किसी न किसी नाम से। ये इन सबके चंदे धंधे चल रहे हैं। जितने धार्मिक संगठन हैं उनके सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। जितने सामाजिक संगठन हैं सब कहते हैं कि हम ही नेता हैं, हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। जितने ये राजनीतिक संगठन हैं वो सब अलग अलग हैं। 15% राजनीतिक संगठन अगर इकट्ठे भी हो जाएंगे तो अभी वो एक सीट नहीं निकाल सकते, 15% से कोई सीट नहीं निकल सकती। ये बात हमारे जैसे लोगों को समझ में आती है, इनको समझ में नहीं आती। और फिर भी इनके जो एजेंट हैं, जो चंदा इकट्ठा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी क्रांति करेगी, हमारी पार्टी प्रधानमंत्री बनेगी, हमारी पार्टी मुख्यमंत्री बनेगी। अरे कैसे बन जाओगे तुम? 15% के 15% इकट्ठे हो जाओगे तो भी नहीं बन सकते। तुम इकट्ठे हो गए तब ओबीसी इकट्ठा होगा, तब एसटी इकट्ठा होगा, तब कहीं कोई माइनॉरिटी इकट्ठा होगा, तब कहीं लोग जाके 85% इकट्ठे होंगे, तब तुम सीट निकालने का सोच सकते हो। 15% कैसे निकाल लोगे? ये बेवकूफ बनाना बंद करो, बच्चों को मरवाना बंद करो। वो जो बच्चा है, जो पारस चौधरी है, जो हरावली के अंदर जो ग्वालियर में मारा गया है, कितना 21 साल का जवान बच्चा बीए में पढ़ता था, अभी उसकी दाढ़ी मूछ निकली होंगी मुश्किल से, और उसको कुल्हाड़ियों से उसको काट दिया गया और मार दिया गया। जो डॉक्टर तड़वी थी, डॉक्टर तड़वी का क्या था, उसको सिर्फ जानकारी नहीं थी। अगर डॉक्टरों का
सारे भारत में एक संगठन होता है एस सी एस टी ओबीसी का, उसको कोई परेशानी आई है तो परेशानी उसको आती ही नहीं। तो ये डॉक्टर जितने भी हैं इनके अलग अलग संगठन चलते हैं, एक संगठन नहीं है किसी का। मुझे बड़ा हैरानी होती है कि जो पढ़े लिखे आधे बुद्धिजीवी लोग हैं ये डंका पीटते हैं कि हम बड़े बुद्धिजीवी हैं। ये कोई बुद्धिजीवी नहीं है, ये तो बुद्धिहीन लोग हैं। ये एक संगठन नहीं बना सकते, एक संगठन बनाने की प्रक्रिया नहीं आती इनको। क्या राज करेंगे देश पर, क्या करेंगे ये कुछ आगे? जो इनको सुनाते हैं वो ठीक ही इनको सुनाते हैं और ठीक ही कहते हैं। आप नौजवान हो, आप समझ जाओ, अभी मौका है, डंडा उठा लो, इनकी सुताई करना शुरू करो, इनका राशन पानी करना बंद करो। जब तक सारे इकट्ठे होके ना आ जाए तब तक कोई सपोर्ट नहीं, ना सपोर्ट है, ना वोट है, ना उनको चंदा है, ना धंधा है, ना उनकी मान्यता है, ना उनसे बातचीत करनी है। चाहे जिस संगठन में आप रहते हो वो हो या संगठन कोई भी हो, संगठन सारे एक सही हैं। इसलिए अपने संगठन को अच्छा ना बता के सारे संगठनों को कहो कि सब इकट्ठे होकर आ जाओ। देश में कम से कम 1,00,000 नेता चाहिए। सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो अभी 1,000 से ऊपर नेता नहीं बैठेंगे, तो अभी तो 99,000 नेता और बनाने पड़ेंगे। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और प्रधानमंत्री यहाँ किसी का नंबर नहीं आने वाला है, 15% लोगों का प्रधानमंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता है 70-80% लोगों का। जब तक 70-80% लोग नहीं बनोगे प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसलिए नौजवानों अपने आप को बचाओ, देश को बचाओ, देश की तरक्की को बचाओ। देश बहुत ज्यादा परेशानी में है। ये जितने भी लोग हैं बड़ी मेहनत से आगे बढ़े हैं, इनके बच्चे मारे जा रहे हैं और ना मरे, इसलिए सावधान हो जाओ। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.